आपका घातक है, क्या तुही पास की ज्वाला है, क्या तू ही बाप का घातक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता, यदि तेरा गर्भ नष्ट हो जाता तो होता आज अकाज नहीं, तो होता आज अकाज नहीं। तपस्वी का दूत कहने में आती है तुझको लाज नहीं। ओहो, तो तुम ही मेरे मित्र बाली के पुत्र हो, लेकिन अंगद मुझे आश्चर्य है, तुमने ये नीच कार्य करने की कैसे ठान ली। संहारा जिस बाली बाप को, धिक्कार है तू उनका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरा, उस पर न तेरा विश्वास हुआ। अब तो ही मुझसे मिलने आए तो तेरी सुभगति होगी, इस बड़े राज्य लंका का तू सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में यह योग्यता कहां, मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में यह योग्यता कहां, लंका का सेनाध्यक्ष बनूं इतना बल और बुद्धि कहां। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हो, दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद ही कोई मंजूर करे रावण, पर शायद ही कोई मंजूर करे ऐसे कुराज में रहने को, नारियां चुराई जाती जहां ऐसे कुराज में रहने को। रावण आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच पतित कहने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपकी बातें सहन कर रहा हूं। अपने पिताजी के साथ आपकी खास मित्रता को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ समझाता हूं, अन्यथा हमारी ओर से तो सूचना हनुमान जी द्वारा दे दी गई थी। अंगद, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं है, तुमको जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। अच्छा तो रावण सुनो, मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा है।